बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ कमल। वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। ये हेडमिस्ट्रेस का पास नंबर 6 पेपर है, इसको आज हमने सॉल्व करना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। और इसका पहला एमसीक्यूज है, द सक्सेसफुल एंड सिस्टमेटिक एकेडमिक वर्किंग ऑफ ए क्लासेस इन द स्कूल डिपेंड्स ऑन टाइम टेबल। स्कूल का तमाम कामयाब और जो वर्क है वो है टाइम टेबल पर मुनसर है। मोस्ट इग्नोर्ड एक्सेप्ट इन एजुकेशन फील्ड इज, एजुकेशन फील्ड में जो सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है वो है ट्रेनिंग ऑफ ए टीचर्स। वैन वट वाई हाउ टू टीच इज द मेन टास्क ऑफ, यह है एजुकेशन साइकोलॉजी में आता है। एजुकेशन साइकोलॉजी में व्हेन व्हाट व्हाई हाउ यूज़ किया जाता है, जबकि एजुकेशन फलसफे में एम एंड गोल यूज़ किए जाते हैं। रिगार्डिंग टू होम कैरिकुलम इज ए प्लान फॉर लर्निंग, ये दिया था तैबा ने दिया था। तैबा एक फीमेल थी, इसका मॉडल था, इसने मॉडल अपना दिया था 1962 में, और इसके 7 स्टेजेस थे। ये एमसीक्यू जो है पेपर में लाजमी आता है, इनमें से यूं भी आ सकता है, कैरिकुलम इज ए रिटन प्लान दिया था कैरन ने, कैरिकुलम इज इंस्ट्रक्शन प्लान दिया था सिम्ट ने दिया था। फॉर बेटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द बेस्ट मेथड इज प्रोजेक्ट मेथड। ये लर्निंग प्रोसेस जो है सबसे बेटर जो टीचिंग में हासिल होती है वो होती है प्रोजेक्ट मेथड में होती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द कैरिकुलम इन द क्लासरूम इज प्राइमरी विद द, यह क्लासरूम टीचर की होती है। क्लासरूम में कैरिकुलम को इम्प्लीमेंट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस क्लास टीचर्स की होती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद माइंड, कॉग्निटिव का ताल्लुक हमेशा माइंड के साथ होता है। इट अलोन डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट बेस ऑफ डेवलपिंग स्कोप ऑफ वेल राउंडेड एजुकेशन, ये है हिडन कैरिकुलम आता है, राइट ऑप्शन इसका डी है। एजुकेशन ट्रेनिंग इनहांस, ये आता है वर्क परफॉर्मेंस में आता है। एजुकेशन ट्रेनिंग इन्हांस के बजाय अगर इम्प्रूव होता तो स्किल आता, यहाँ पे है एजुकेशनल ट्रेनिंग इन्हांस वर्क परफॉर्मेंस में आती है। बेटर फिजिकल सेटिंग ऑफ ए क्लास में रिक्वायर्ड, ये हासिल होती हैं। ओवरऑल कम्फर्टेबल एंड हेल्थफुल इन्वायरमेंट, स्टूडेंट आर एक्टिव इन ड्रिल मेथड, स्टूडेंट आर एक्टिव होते हैं इन प्रोजेक्ट मेथड में होते हैं। Why do you mean by 3 hours? Reading, writing, arithmetic आता है। The communication flowing from subordinates to superior is known as upward communication कहलाता है। Values are closely related to the concept of truth, values का ताल्लुक एडलिस्ट के साथ है। The primary task of the teacher is to teach the prescribed the curriculum, right option इसका A है। Education confined to एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज फॉर्मल एजुकेशन होती है। सालो टैक्सोनॉमी प्रोवाइड दी सिस्टमेटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लर्नर इज परफॉर्मेंस है इसका राइट ऑप्शन। एंड्रागोगी टेक्निक्स आर यूज टू एडल्ट्स, मैनेजिंग स्कूल रिकॉर्ड इज मेन ड्यूटी ऑफ स्कूल है, स्कूल के तमाम रिकॉर्ड की जिम्मेदारी हेड टीचर की होती है। टीचिंग एज पर लेसन प्लान इन स्कूल यूजुअली सुपरवाइज करता है बाय स्कूल हेडमास्टर कहता है। द प्रसूट ऑफ विजडम एंड नॉलेज, विजडम है या विजडम के साथ फलसफा आता है। इन द सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज डिवीजन ऑफ नॉलेज है। स्टडी ऑफ ए ग्रेट बुक्स इज एट द कोर ऑफ, ये आता है परिनालिज्म आता है। ग्रेट बुक के साथ हमेशा क्या आता है, परीना लेज़म आता है, राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी डज नॉट फॉल इन ए साइकोमोटर डोमेन,
हैंड राइटिंग भी साइकोमोटर डोमेन है, बॉल थ्रोइंग भी है, स्केचिंग भी है, क्रिएटिंग आइडियाज नहीं है। क्रिएटिंग आइडियाज का ताल्लुक वो कग्निटिव डोमेन के साथ है। राइट ऑप्शन इसका सी। दी वर्ल्ड वीडियोज मीन्स ये है ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर है, विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसमें ये खूबी नहीं होती, वो शेयरिंग नहीं करता। राइट ऑप्शन इसका डी है। इन प्री स्कूल एजुकेशन द फोकस ऑफ गाइडेंस इज अपॉन ये है एडजस्टमेंट। जहाँ पे गाइडेंस होगा उसका की पॉइंट है एडजस्टमेंट आता है। ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर मेंटेन इन कैश रजिस्टर है। साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान 1864 है, लेकिन इसका असल जवाब है 1863। यहाँ पे 1863 नहीं दिया हुआ, इसलिए राइट ऑप्शन इसका क्या है 1864, राइट ऑप्शन ए। एट प्रेजेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रिक्वायरिंग एलिमेंट्री स्कूल टीचर इन पंजाब MA BEd है, विच इज़ बेसिक इमोशन बींग फेस बाय स्टूडेंट इन अर्ली क्लासेस। इमोशन के दो टाइप्स हैं, फेयर एंड लव। यहाँ पे फेयर दिया हुआ है। हायरार्की ऑफ नीड्स वाज प्रेजेंटेड बाय, हायरार्की जो है मेस्लो की है। द लेवल ऑफ ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बेस्ट बी जज थ्रू, जज है यहाँ पे लर्निंग आउटकम आएगा। द मोस्ट एसेंशियल लीडरशिप क्वालिटी इन इस्लाम हैज इम्फेसाइज्ड ऑन नॉलेज को करती है नेशनल एजुकेशन कमीशन इन 1959 वाज इस्टेब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ SM शरीफ की थी। द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल इन पंजाब रेंज 11 से 12, राइट ऑप्शन इसका डी है। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ इज फाउंड इन द फिलासफी नेम एज रिकंस्ट्रक्शनलिज्म है। रिफॉर्मर्स के साथ हमेशा क्या आता है, रिकंस्ट्रक्शनलिज्म आता है। RE भी R से है और रिफॉर्मर भी R से है। ये आप लोगों ने की पॉइंट इसका याद रखना है। अब है 38 MCQs है हमारे पास। विच एजुकेशन सिस्टम फोकस हेवली ऑन ट्रेनिंग ऑफ ए पर्सनली फुल, ये आता है इस्लाम में आता है। राइट ऑप्शन इसका सी है। इस्लामिक एजुकेशन फार्मूलेट हुमन बेसिक आइडियाज इन द लाइट ऑफ रिवोल्यूशन में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटेक्ट बाय विच ए टीचर असिस द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्टिंग एंड अटेंशन ऑफ ए टीचर अटेंशन ऑफ ए ऑफ द चिल्ड्रन, ये आता है असिसमेंट में आता है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी ऑफ ए मैन सो दैट ही शी अर्ली परस्यूज द आइडियल परफेक्शन ऑफ सिटीजनशिप इज द स्टेटमेंट ऑफ प्लाटो की है। प्लाटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में यह डेफिनेशन लिखी है। बाजू कातम से क्यों ये भी आ जाता है, प्लाटो की बुक का नाम बताएं। प्लाटो की बुक का नाम रिपब्लिक है। और आप लोगों ने यहाँ पे सिटीजनशिप का जहाँ पे की पॉइंट होगा उसके साथ क्या आता है, प्लाटो आता है। इन लेक्चर मेथड वन एक्सेप्ट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड, लेक्चर मेथड में ये कौन सी चीज़ इसमें नहीं होती, स्टूडेंट इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं होता। द आइडियल टीचर इज वन हु नरेटेड एज ए फ्रेंड फिलासफर एंड गाइड होता है। आइडियल टीचर हमेशा टू अटेंड मोर इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन अमंग द स्टूडेंट इन ए क्लास टीचिंग शुड, क्लास में जो टीचर जो है बच्चों के अट्रैक्शन और इंटरेस्ट पैदा करने के लिए यूज द पिक्चर इस्तेमाल करें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ए बेटर रोल इन अटेंडिंग द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में एम एंड ऑब्जेक्टिव जो है हमें कैरिकुलम से हासिल होते हैं। राइट ऑप्शन इसका एम ए है। एट विच द लेवल डेरिफिकेशन ऑफ कैरिकुलम वाज अंडरटेकन, डेरिफिकेशन का मतलब है तकसीम। निसाब की तकसीम है सेकेंडरी स्कूल लेवल्स पे होती है, 9th से होती है, साइंस और आर्ट्स में होती है।
In a class, student can become confident through the method of teaching as question answer method आता है इसका right option हमारे पास क्या है B है Teacher is bound to pay attention to the selection of appropriate learning materials and teaching technique to meet इसका right option B है लर्नर नीड्स का आप लोगों ने की पॉइंट्स याद करना है जहाँ पे होगा एप्रोप्रिएट लर्निंग होगा उसके साथ आता है लर्नर नीड्स आता है ये की पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है आगे हमारे पास है 49 मैनी एक्सेप्ट ऑफ लर्निंग कैन बी स्टडी बेस्ट थ्रू द एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड टू क्लासरूम एक्सपीरियंस से होता है द सेंट्रल पर्पज ऑफ एवरी एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज टू हेल्प द इंटायर स्कूल स्टाफ ऑब्टेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए गिवन ये है स्टूडेंट एनेक्डोटल रिकॉर्ड स्टूडेंट का होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड से मुराद है स्टूडेंट की तमाम रिकॉर्ड जो यानी हिस्ट्री जो बच्चे की होती है उसमें मौजूद होती है लिखा जाता है एनेक्डोटल रजिस्टर में वहाँ पे बच्चे का बैकग्राउंड होता है बच्चा पढ़ाई में कैसा है क्लासरूम में उसका बिहेव कैसा है ये सारे जो मालूमात होती है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में मौजूद होती है इनर फैकल्टीज एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग आर कंसर्न विद इंटेलेक्चुअल का ताल्लुक कॉग्निशन के साथ है माइंड के साथ है चेंज इन एजुकेशन लीड टू द चेंज इन सोसाइटी राइट ऑप्शन इसका बी है चार्ट एक्ट वाज पास्ड इन 1816 प्रेजेंट हुआ था 1813 रिन्यू हुआ था 1833 सेंट्रल कमीशन वाज फॉर्म्ड बाय 1917 द कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन अपॉइंटेड बाय रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन 30 दिसंबर 1958 ये राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है डी है हाउ मैनी बेसिक कंपोनेंट ऑफ कैरिकुलम हैव फोर हैं विच फिलासफर कंपेयर्ड किंग गार्डन एजुकेशन सिस्टम किंग गार्डन फ्रोबल का है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांड कमीशन हैज स्टार्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स बोथ डिग्री कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज पैनल डायलॉग्स इज ए टाइप्स ऑफ डिस्कशन मेथड CAI stand for computer assisted instruction है positive classroom environment keep the student motivated for ये आता है learning से हासिल होता है which is founder of discovery learning which is a founder of a discovery learning ये ब्रूनर ने दिया था सर विलियम हंटर कमीशन इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज फाउंडेड इन ये जो है 1882 में बनाया गया था एम्स आर नेशनल एक्सपेक्टेशन से हासिल होते हैं हमारे पास देन चेंज इज सेड बाय द टीचर बिलीविंग इन फिलॉसफी ऑफ परिनालिज्म IQ जो है स्टैंड फॉर होता है इंटेलिजेंस कोशेंट के साथ आता है बिहेवियरिज्म इज एसोसिएटेड विद बिहेवियरिज्म जो दिया था जे बी वेटसन का है विलिंगनेस टू बिगेन न्यू एक्टिविटीज एंड एक्सप्लोर ए न्यू डायरेक्शन इज ये आता है इनिशिएटिव में आता है राइट ऑप्शन इसका डी है जहाँ पे न्यू होगा वो किसके साथ आता है इनिशिएटिव के साथ आता है मुस्लिम आर्ट्स मोस्टली डिवलप्ड वाज इन कैलीग्राफी मुसलमान जो थे इल्म खताती में बहुत ज़्यादा महर थे या बहुत ज़्यादा उन्होंने तरक्की की थी द टेस्ट मैयर वाट वी इंटेंड टू मैयर दिस क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड वैलिडिटी कहते हैं द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मैयरमेंट इज स्कोर है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन ये होती है म्यूचुअल शेयरिंग से होती है डेमोक्रेटिक हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग में होती है टीच रीटीच फीडबैक रीफीडबैक इज गेन टू मच इन दी टेक्निक मेथडोलॉजी हो जो है मैक्रो टीचिंग की है द प्रोसेस इन विच द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द कैरिकुलम आर आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड
इसका राइट ऑप्शन है एवोल्यूशन है, राइट ऑप्शन डी। 75 एमसीक्यूज है हमारे पास। एंटालोजी डील्स विद रियलिटी, एंटालोजी का ताल्लुक रियलिटी के साथ है। मोस्ट पॉपुलर मेथड एट ऑल एजुकेशन लेवल लेक्चर मेथड है। टीचर परफॉर्म प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन करता है। डेमोस्ट्रेशन मेथड मैक्रो टीचिंग फोकस ऑन द कैपेडेंसी ये स्केल पे होती है। पार्ट वैल्यू इज द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क होता है। द एम्फेसिस इन द क्लास शुड ये होता है नीड ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड होते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी इज ऑल्सो कंसिडर इम्पॉर्टेंट विच फिलासफी डिनाइज करती है इट परिनालिज्म को कहती है। द रिसर्च कंसर्न विद करंट फिनोमिना ऑफ स्टडी इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का आप लोगों ने की पॉइंट याद रखना है, अगर वो करंट हो या सर्वे हो वहाँ उसके साथ आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आती है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट लीज ऑन ये है टीचर की होती है, क्लास की जिम्मेदारी। नो द स्टूडेंट नीड्स इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम एंड हैव पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन इज रिलेटेड टू ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी का की पॉइंट याद करना है, नीड जहाँ पे नीड होगा वहाँ पे ह्यूमनिस्टिक थ्योरी आती है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ ए पॉपुलेशन फॉर ए सर्वे इज नोन एज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब है पॉपुलेशन के सबसेट को सिलेक्ट करने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है, सैम्पलिंग कहलाता है। 86 है हमारे पास एमसीक्यूज। विच डू वी वांट टू अचीव एजुकेशनली एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे पास है टीचिंग ऑब्जेक्ट से हासिल होती हैं। तालीम की तमाम मकासद में टीचिंग ऑब्जेक्टिव से हासिल होते हैं। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई वार प्रेजेंट बाय डगलास एम एस जॉर्ज ने दिया था। राइट ऑप्शन इसका क्या है, ए है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है 88 में है प्रैक्टिस टू ऑर्गेनाइज एंड टू स्टडी ए स्पेसिफिक टॉपिक फॉर बेटर रिटेंशन इज द पर्पस ऑफ ड्रिल मेथड। प्रैक्टिस होगा उसके साथ है ड्रिल मेथड। प्रैक्टिस का मतलब भी बार बार करना है और ड्रिल का मतलब भी बार बार करना है। सेल्फ एवेल्युएशन ऑफ ए क्लास टीचिंग द टीचर विल नॉट बी एबल टू एवेल्युएट द टीचिंग प्रिपेयर द टेक्सुअल मटेरियल होता है। राइट ऑप्शन इसका सी है। रिसर्च रिपोर्ट शुड बी इन द पास्ट टेंस। रिसर्च रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। पर्संस हु मोटिव्स द अदर पोजेस द क्वालिटी ऑफ ये लीडर की होती है। द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ क्लासीफाइंग थिंग अरेंजिंग दैम इन ए ग्रुप इज कॉल्ड ये टैक्सोनॉमी आता है। क्लासिफिकेशन जो है टैक्सोनॉमी में की जाती है। रॉ स्कोर ऑफ ए टेस्ट इज रेफर टू रॉ में रॉ स्कोर हमेशा डाटा में किया जाता है। द ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग बाय नेचुरलिस्ट इज नेचुरलिस्ट का जो ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग है वो है प्ले भी है। राइट ऑप्शन इसका डी है। द पावर डेलीकेटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिसेंट्रलाइजेशन आता है। डेलीकेटेड होगा तो डिसेंट्रलाइजेशन आएगा। द मेन सोर्स ऑफ इन्वेंशन इज ह्यूमन माइंड है। एजुकेशन एंड एवोल्यूशन इज ए प्रोसेस बाय विच ए टीचर एंड ए स्टूडेंट कैन एक्सेस देयर परफॉर्मेंस। राइट ऑप्शन इसका सी है। Data are collected through the questionnaire, interview or observation is called descriptive research में होता है। Data collection हमेशा descriptive research यानी survey और grant में किया जाता है। UNESCO conference of Asian countries at Karachi recommended to spend 4% of GNP and education was hit in 1960 में हुआ था।
राइट ऑप्शन इसका बी है. टीचिंग इज मेजरेबल कैन बी फाउंड थ्रू द यूज ऑफ मैक्रो टीचिंग टेक्निक्स है.